विक्रमादित्य सिंह भी अपने स्टैंड पर टिकना उनकी भी आदत नहीं है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह अपने स्टैंड पर ही टिक नहीं पा रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व आरएसएस का धन्यवाद करते हैं तो कभी अपने बयान से पलट जाते हैं। यह तंज भाजपा सरकार में मंत्री रहे व भाजपा उपाध्यक्ष गोविंद ठाकुर ने मंडी के सरकाघाट में कसा है। अच्छा है कि विक्रमादित्य सिंह जी वहाँ चले गए, लेकिन तब भी मेरा ये कहना है कि विक्रमादित्य सिंह भी अपने स्टैंड पर टिकना उनकी भी आदत नहीं है। और पहले तो उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैं संघ परिवार का, बीजेपी, आरएसएस, मैं सब लोगों का बड़ा धन्यवाद करता हूं और विश्व हिंदू परिषद का कि जिन्होंने हमको वहां पर 22 जनवरी के लिए बुलाया है। और उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी का भी बहुत अभिनंदन किया था, लेकिन उसके कुछ समय के बाद ही फिर वो अपनी बात से पलट गए थे। और उन्होंने उसमें ये कहा कि हमको आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद से कोई हिंदू होने का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। 22 जनवरी का दिन था जिसमें वो जय श्री राम का घोष बहुत जोर जोर से कर रही थी। निश्चित रूप से एक हिंदू को होने के नाते ये उनकी आस्था है, विश्वास है, तो बहुत अच्छी बात है कि वो तो यानी उसका स्वागत है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, ये सारा यानी पार्टी के अंदर की बात है और जिसकी जानकारी हमको भी नहीं होती। अब पार्टी में जो हमारा यानी जो नेतृत्व है, जो वो तय करेगा, तो उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चलेगा।